नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवा नेता आज हमारे साथ हैं, प्रिंस प्रभाकर जी, जो बहुत ही चेहरों की धड़कन और जान है, जिनको मंच पे जाते ही सैकड़ों की तालियां मिलती हैं, और जिस भी इलाके क्षेत्र में चले जाएं, प्रदेश में चले जाएं, तो सिर्फ उन्हीं की जय जयकार होती है। प्रिंस प्रभाकर जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुजन समाज के मंचों पर जाके क्रांतिकारी बात करते हैं, और बात करें अगर बहन कुमारी मायावती के प्रधानमंत्री बनने की, तो किस आंकड़ों से आप देखते हैं कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, वो बताएं। देखिए, आंकड़ा माननीय बहन जी का प्रधानमंत्री बनने का साफ है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन से लड़ रहे हैं, और ये साफ साफ जाहिर होता है कि भारत की कुर्सी, दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरती है। हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और RLD तीनों मिलकर के हम 70 से प्लस जाएंगे, और जब 70 से प्लस वहाँ हम चले जाएंगे, इतनी सीट हमारे खाते में आ जाएंगी, तो फिर मेरे विचार से नहीं लगता कि हमारे बिना किसी की सरकार भारत के अंदर बन सकेगी, दिल्ली के अंदर बन सकेगी। तो इसमें ये भी है कि अभी तृणमूल कांग्रेस है, TMC है, वहाँ ममता बनर्जी ने भी बहन जी के लिए खुला सपोर्ट कर दिया है। 42 सीट हैं, उनमें से मान के चलो 30 सीट तो कम से कम आ ही जाएंगी, और उसके बावजूद क्योंकि वो खुद नहीं है उस दौड़ में, वो साफ कह रही हैं कि मैं मोदी जी को हराने के लिए, BJP को हराने के लिए मैं किसी को समर्थन भी कर सकती हूँ। इसका मतलब, और यहाँ ये भी माना जाता है कि बिहार में भी 40 सीट हैं, 40 में से अगर RJD 20 ले आती है, तो वो भी बिहार भी त्रस्त है BJP के शासनकाल से, इन मनुवादियों के शासनकाल से वो त्रस्त है, तो वो भी हमारे साथ है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जो अजीत जोगी की जी को पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब उनका सपोर्ट BSP के लिए है, क्योंकि अलायंस है वहाँ हमारा। और इसके अलावा कर्नाटक है, कर्नाटक में हमारा और HD देवगौड़ा जी की जो पार्टी है, उनका अलायंस चल रहा है, वहाँ उनकी सरकार चल रही है, तो उनका सपोर्ट भी माननीय बहन जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए है। तो जितने भी चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश से हैं, वो भी बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाल ही में एक दो दिन पहले का अभी एक, ये जो कांग्रेस के जो पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने साफ तौर से कहा है एक इंटरव्यू में कि अगर हमें BJP को हटाने के लिए, भगाने के लिए अगर दो कदम भी पीछे हटना पड़ेगा, तो हम हटने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा साफ जाहिर दिख रहा है। और उनके जैसे कि अब BJP की कल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे विचार से 5 साल की पहली कॉन्फ्रेंस होगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, दोनों की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का अपने चेहरा देखा होगा, किसी भी सवाल का जवाब मीडिया का वो नहीं दे पाए, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सवालों का जवाब देंगे। इसका मतलब ये प्रधानमंत्री किस बात का होता है भाई, उनको भी तो देना चाहिए ना। तो उनका जो चेहरा लटका हुआ चेहरा साफ तौर से गवाही दे रहा था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से उनकी भारी बहुमत से सरकार बनी थी, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से ही भारी बहुमत के हिसाब से वो नीचे गिराए भी जाएंगे। तो इसी तरह से पूरा देश चाह रहा है बहन जी को, क्योंकि बहन जी का शासनकाल 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर देख चुके हैं सारे लोग, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर होता है, स्ट्रिक्ट नेक्स होती है बहन जी के शासनकाल में, गरीबों का ख्याल लगती हैं सबसे ज़्यादा, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा विशेष करके वो ख्याल लगती हैं, स्कॉलरशिप मदद योजना चलाई थी माननीय बहन जी ने। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, माननीय प्रधानमंत्री की बात करी, उन्होंने लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है और जो मीडिया में दिखाया गया, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार BJP सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? पूर्ण बहुमत से कैसे आ जाएगी? खैर, हालांकि वो उनकी पार्टी हैं, पार्टी के मुखिया भी हैं, कोई भी अपनी पार्टी को कोई भी उस अपने स्तर को नहीं गिराना चाहता। अब उनको तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, जिस तरह से पिछली बार एक लहर चली थी, हो सकता है कि उस लहर के दायरे में वो आज भी आ रहे हों, लेकिन समाज के बीच में तो नहीं है वो लहर, उन्हीं के दायरे की तो लहर है वो। अब तो हम तो यही मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 70 सीट अगर हमारी आती हैं और 282 उनकी आई थी, तो उनका आंकड़ा तो यहीं बिगड़ गया, अब कैसे उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। और बाकी जो जितनी भी है हमारी राजस्थान में है, 25 सीट है, उनमें से कम 5 से 10 तक हम लोग जीत रहे हैं राजस्थान के अंदर। प्रिंस जी, आप पूरे देश प्रदेश में जाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, बहुजन समाज की बातों को उठाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनती हैं, तो वो कौन से परिवर्तन होंगे जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाए, उनके ऊपर नज़र डालें? देखिए, हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर बहन जी जानती हैं, लेकिन मोटा मोटा समय बता देता हूँ। जिस तरह से एजुकेशन को, शिक्षा को, शिक्षा के नाम पर मोदी जी की सरकार आई थी, 2 करोड़ हर साल हम रोज़गार देंगे, उन्होंने देने की बात करी थी तब वो सरकार में आए थे,
लेकिन बहन जी ने तो 2007 में देने की बात नहीं करी थी, लेकिन बहन जी ने उत्तर प्रदेश का ग्राफ बहुत हाई परसेंटेज पे शिक्षा का बढ़ा दिया था जी। और सबसे पहले बहन जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जानी जाती हैं, उसके अलावा शिक्षा के मामले में जानी जाती हैं। शिक्षा का जो ये निजीकरण जो हो रहा है, इसको निजीकरण को ख़त्म करके शिक्षा को पूर्ण रूप से वो सरकारी आधार पर वो लागू करेंगी। और उसके अलावा जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, सर्व समाज के गरीब परिवार की बात करूँ तो उनको स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगी। और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, इन्होंने तो भ्रष्टाचार के नाम पर वोट लिया, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार हुआ भी नहीं। तो आज जो सबसे पहले बहन जी ये जो देश का पैसा लेकर के, काला धन लेकर के जो लोग विदेश भागे हैं, उन पर भी विशेष फोकस करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। और बहुत सी ऐसी ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बहन कुमारी मायावती जी, जिनको प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनका कहीं ना कहीं उनका खात्मा करने का। आप बहुजन समाज के लोग हैं, आप बिल्कुल बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे अहम पूछना चाहूँगा, अगर 2019 के अंदर, अभी नतीजे आने वाले हैं, सातवें चरण के इलेक्शन भी हैं, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से आती है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर नज़र जरूर जरूर डालें। देखिए, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है जी। मैं इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि एक कहावत होती है गांव में कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाया करते हैं। अब इनके पैर तो अभी दिख गए 5 साल के अंदर, तो मैं तो नहीं मान सकता कि बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है। अगर ऐसा हो कि बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए दोबारा किसी भी तरह से, इन क्योंकि ये तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं ये, तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश आज भी 103 के पायदान पर है, तो न जाने कितने पीछे चला जाएगा। और जो ये जो अभी ढेर, जैसे कि लखनऊ वाला जो एयरपोर्ट है वो उसका निजीकरण कर दिया गया है, और कई हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनके निजीकरण कर दिए गए हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके निजीकरण कर दिए गए हैं। और जो ये बात करते हैं कई बार के आरक्षण की, ये कि प्राइवेट में आरक्षण करेंगे, इसका मतलब ये है कि सरकारी संस्थानों को ख़त्म करके उनका निजीकरण कर देना, और निजीकरण का मतलब ये मुखिया बन जाएंगे, वो किसको देना है किसको नहीं देना वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए हमारा जो देश है, जो देश का युवा वर्ग है, मैं खासकर युवा वर्ग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, क्योंकि आज भी उससे समय पर शिक्षा का जो प्रावधान हुआ करता था वो नहीं मिल पाता। तो क्योंकि निजीकरण, निजी स्कूल में तो नहीं पढ़ पाएंगे गरीबों के बच्चे भाई, वो तो सरकारी में पढ़ पाएंगे, और सरकारी में से इन्होंने जो सुविधा जो मुहैया कराई जाती हैं, जब वो ख़त्म कर देंगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो आर्थिक तंगी से जो आज के परिवेश में देश गुजर रहा है, तो वो भी और डीपली चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह से बीजेपी के आने से ये नुकसान, बहुत नुकसान होंगे ऐसे आज पूरे देश को है। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो क्या बहन जी जातिकरण के आधार पर राजनीति करती हैं, उसके बारे में बताएं। नहीं, बहन जी ने तो कभी की भी नहीं जातिकरण के आधार पर राजनीति जी। अब लोगों के जो और लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनकी आंखों पे अगर जाति का चश्मा चढ़ा हुआ है तो वो तो एक अलग चीज़ है, बाकी बहन जी ने कभी नहीं करी। बहन जी ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों किलोमीटर की जो सीसी रोड बनाई थी, बहन जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनमें सड़क नहीं बनाऊंगी मैं। बहन जी ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय खुलवाया, उसमें तो नहीं कहा बहन जी ने कि इसमें सवर्ण क्लास के लोगों के लिए, या फिर बात करूँ मैं राजनीतिक पार्टी के, बीजेपी के और कांग्रेस के लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं कहा बहन जी ने। बहन जी ने और छोटे छोटे जो बहुत स्कूल्स और जो सरकारी जो मदद योजना चलाई थी उसमें तो कभी नहीं कहा बहन जी ने। और आज भी ये है कि अगर जातिगत की बात लोग करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद मिश्रा जी, वो बराबर बहन जी के साथ मंच पर रहते हैं। बताओ कहाँ हमारे जो ये उत्तर पूर्वी लोकसभा से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, और हालांकि मैं तो इस बात को कहूँगा कि भावी सांसद भी हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, अगर ऐसा होता तो किसी और को उतारा जाता। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, आज देश के अंदर जो बहुजन समाज की जनसंख्या बताई जाती है उसे 85% बोला जाता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं बन पाया देश का प्रधानमंत्री दलित, वो बताएं। देखिए, इससे पहले जो राजनीति होती थी, इससे पहले जितनी बार राजनीतियाँ हुई हैं वो राजनीति उन लोगों ने जाति के आधार पर करी है, वो प्रलोभन के आधार पर करी है। किसी भी देश के अंदर अगर वोट, किसी भारत देश को छोड़ करके, ज़्यादातर देश की बात नहीं करता, कुछ देश की बात करता हूँ, वहाँ शिक्षा के नाम पर वोट मांगी जाती है, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगी जाती है। और इस भारत देश के अंदर इन लोगों ने इस तरह से प्रलोभन दे दिए हैं कि यहाँ ज़्यादातर लोगों को धर्म में फंसा दिया है, यहाँ लालच में फंसा दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, फिर हम MLA MP बनते हैं, तो हम उन लोगों को उन लोगों के लिए हम मतलब मंदिर बनवाएंगे, उन लोगों के लिए हम ये पता नहीं छोटे छोटे जो वो होते हैं कि उनका कर्ज माफ़ कर देंगे, ये सारे काम कर देंगे। तो इस तरह से
जाति के आधार पर उन लोगों ने राजनीति करी थी, प्रलोभन के आधार पर उन लोगों ने राजनीति करी थी, यही एक कारण रहा था। लेकिन आज के परिवेश की मैं बात करूँ तो आज समाज 85% की बात करूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माननीय काशीराम साहब के विचारों से जुड़ चुका है, उनको ये पता चल चुकी है। अभी तक बहुजन समाज के लोगों ने देश के अंदर उन लोग दूसरों की सरकार बनाई थी, क्योंकि एक तो भावुक हो जाता है ये, दूसरे की मान लेता है। लेकिन आज अगर बहन जी पीएम पद की दौड़ में हैं, अगर हम दूसरों को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो अपना प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकते भाई? वो भी तो वोट हमारा ही है, हमने उन अपनी वोटों से उनको प्रधानमंत्री बनाया सदियों से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक। लेकिन आज तो हम अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं ना, अगर लोग ये भी कहते हैं, इस बात को मानते हैं। क्यों, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास गुजरात के प्रदेश का, उनके पास तीन बार का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव था, और जो कि छोटा प्रदेश माना जाता है। लेकिन माननीय बहन जी के पास तो 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है, और वो भी विशाल प्रदेश का है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी अच्छी तरह से जानती हैं किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चलाया जाता है। तो जब वो 3 बार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो माननीय बहन जी 4 बार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती भाई? अगर बहन जी नहीं, इस बात माननीय बहन जी नहीं कह रही, हम और आप नहीं कह रहे, ये तो देश कह रहा है इस बात को। किसी भी देश से देख लो, किसी भी प्रदेश से देख लो, देख चंद्रबाबू नायडू जी हैं वो भी साफ कहते हैं, और कर्नाटक के जो HD देवगौड़ा हैं वो भी साफ कहते हैं। किसी भी प्रदेश की बात करें तो वो साफ तौर से कहते हैं कि बहन जी क्यों नहीं बन सकती भाई? जब दूसरों को बनाया, माननीय काशीराम साहब ने दूसरों को बनाया, बहुत लोगों को बनाया, लेकिन वो भी तो शिष्य माननीय काशीराम साहब की, तो वो क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री बहन जी का बनना इसलिए तय है, बहन जी बनेंगे प्रधानमंत्री। आप थे हमारे साथ प्रिंस प्रभाकर, युवा दिलों की धड़कन। और जहाँ पे मंच पे जाते हैं, आज तो बड़ी सरलता से इन्होंने बात कही है अपनी, लेकिन अपने मंच पे जाते हैं तो आक्रात्मक रूप से बात करते हैं और लोगों के रोंगटे खड़े कर देने तरीके से बात करते हैं। हमारे चैनल से बात करिए, इसके लिए धन्यवाद प्रिंस जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।